आज की खास पेशकश में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं प्रतिमा सा और आप देख रहे हैं स्ट्रीट बज न्यूज। अभी भी 26 ANM को नियुक्ति पत्र वितरित किए गए हैं। भाजपा जिलाध्यक्ष विनय श्रीवास्तव, मुख्य चिकित्सा अधिकारी संतोष कुमार चक के द्वारा नियुक्ति पत्र चयनित 26 ANM को मंगलवार को वितरित किए गए। वहीं इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री के संबोधन का लाइव प्रसारण भी किया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा लोक भवन सभागार में आयोजित कार्यक्रम ANM को नियुक्ति पत्र वितरित किया गया। भाजपा के जिलाध्यक्ष विनय श्रीवास्तव और मुख्य चिकित्सा अधिकारी संतोष कुमार चक की मौजूदगी में नियुक्ति पत्र दिए गए। इस मौके पर जिला सूचना अधिकारी भी मौजूद रहे। भाजपा के जिलाध्यक्ष विनय श्रीवास्तव ने कहा कि ANM की नियुक्ति से स्वास्थ्य सेवाएं और बेहतर होंगी। लखनऊ लोक भवन सभागार में आयोजित कार्यक्रम का लाइव प्रसारण भी किया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के संबोधन को लोगों ने सुना। नियुक्ति पत्र पाने वाले गाजीपुर की रहने वाली वंदना ने कहा कि जिस तरीके से भर्ती की प्रक्रिया हुई है उसके लिए मैं मुख्यमंत्री को धन्यवाद देती हूँ। नियुक्ति पत्र पाकर सभी चयनित ANM खुश नजर आए। आपको बता दें कि जनपद में चयनित 26 ANM की नियुक्ति से जिले की स्वास्थ्य सेवाओं को बड़ा लाभ मिलेगा। मैं वंदना जखनिया गाजीपुर की निवासी हूँ। मेरा अधिनस्थ सेवा चयन आयोग में ANM के पद पर नियुक्ति हुआ है जिला भदोही में, और ये भर्ती पूरी तरीके से निष्पक्ष, बिना पैसे के, बिना किसी भेदभाव की हुई है। इसके लिए मैं माननीय योगी जी को धन्यवाद देती हूँ। मेरा नाम अंशिका है, मैं आजमगढ़ की निवासी हूँ। यूपीसी अपने सेवा चयन के आयोग तहत मेरा जो है चयन है भदोही जिला में हुआ है, और ये भर्ती जो है माननीय मुख्यमंत्री द्वारा ये पारदर्शी और निष्पक्ष तरीके से हुई, जिससे मुझे आज बहुत खुशी मिली है। तो मेरे तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद है, जो मैं आज मैं वहाँ यहाँ तक पहुँची, आज उन्हीं की वजह से मैं यहाँ तक पहुँची हूँ, उनकी तरफ से, आज माननीय मुख्यमंत्री जी की तरफ से। आज जो है माननीय मुख्यमंत्री जी की अगुवाई में लखनऊ में कार्यक्रम चल रहा है। 1573 ANM आयोग से चयनित हुए हैं और जिला भदोही को 26 ANM दिए। लगभग यहाँ के जो रिक्त पद थे लगभग जो है पूर्ण हो गए। वो बच्चियाँ जो है बैठी हुई हैं यहाँ पे, अभी कार्यक्रम देख रही थी। तो जो 26 ANM हमको और मिली है उससे जिले का जच्चा बच्चा का टीकाकरण, प्रसव, गांव वालों, गरीब लोगों का कोई किसी तरीके का हमें बहुत ही ज़्यादा इससे लाभ मिलेगा जिले की जनता को। मैं विभाग की तरफ से अनुग्रहित हूँ कि जो वैकेंसी चली आ रही थी उससे हमारा काम बाधित हो रहा था, अब नहीं होगा, और मैं अधिक से अधिक जो है ग्रामीण क्षेत्र में जच्चा बच्चा प्रसव की सेवाएं दे पाऊंगा। क्या इसके बाद भी पद रिक्त रह जाएंगे? नहीं भी मिलेगा तब भी हमारा काम चल जाएगा, हम 100% काम कर लेंगे। स्ट्रीट बस के लिए भदोही से नितेश श्रीवास्तव की रिपोर्ट। देश दुनिया की खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए स्ट्रीट बस न्यूज। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।